प्रादेशिक कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ की एक आवश्यक मीटिंग महासंघ के जिला कार्यालय बल्लभगढ़ में प्रदेश महासचिव श्री सुनील खटाना की मौजूदगी में बुलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा व आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था। कर्मचारी वर्ग में प्रदेश सरकार के विरुद्ध व्यापक रोष व्यापित है। महासंघ की इस बैठक में कर्मचारियों ने प्रमुखता के साथ हरियाणा सरकार से केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़े हुए डीए की किश्त जारी करने और कोरोना काल के अंतराल का, जिसमें 18 महीने के रुके हुए डीए का एरियर जारी करने के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और उम्मीद की है कि जल्द प्रदेश के मुखिया इस ओर ध्यान देकर कर्मचारियों के रुके हुए भुगतान को जल्द ही जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव श्री सुनील खटाना ने कर्मचारियों को अपने वक्तव्य में बताया कि आज प्रदेश के भिन्न भिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी का भारी टोटा है और विभागों में लाखों खाली पद पड़े। बावजूद इसके सरकार विभागों के निजीकरण करने पर ज्यादा जोर दे रही है। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देकर आए दिन कच्चे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। ना तो उन्हें समान काम समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है और न ही पक्का करने की कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन, जोखिम भत्ते, स्थायी भर्ती किए बिना राइट टू सर्विस एक्ट लागू करना सरकार की सरासर तानाशाही को दर्शाता है। साथ ही प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पर जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लागू करने से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, जबकि ट्रांसफर पॉलिसी में भारी खामियां हैं। बिजली बिल संशोधन के नाम पर सरकार जनता के हितों से जुड़े विभागों को बेचना चाहती है। आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन जैसे जनहित के महकमों का निजीकरण कर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। इन अहम मुद्दों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ इसी दिसंबर महीने में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाकर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन का आगाज करने जा रही है। इस आवश्यक मीटिंग के अवसर पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रेस सचिव लेखराज चौधरी, जिला प्रधान करमवीर यादव, सचिव ब्रजलाल तंवर, संत राम लांबा, सतीश छाबड़ी, मुकेश शर्मा, बीर सिंह, सुनील, जगदीश परसवाल, सोनू गोला आदि कर्मचारी नेता मौजूद रहे।